दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हम जानेंगे, देखिए, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्की, मोनार्की को हिंदी में कहते हैं राजशाही, एक राजा की सरकार। मोनार्की ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म होती है वेयर द एब्सोल्यूट पावर रेस्ट विद द मोनार्क, जहाँ पूरी पावर मोनार्क के हाथों में होती है। मोनार्क मीन्स क्या होता है? राजा, दैट इज किंग या क्वीन, जो एक किंग हो सकता है या क्वीन हो सकती है। हु इनहेरिट्स द पोजिशन फ्रॉम हिज और हर प्रेडेसेसर्स, तो जो अपने प्रेडेसेसर अपने पूर्ववर्ती सरकार से वो पोजिशन ग्रहण करते हैं। इन मोनार्की, मोनार्की में क्या है, द पावर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये पावर्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होती रहती है। मतलब क्या हुआ कि एक राजा, उसका बेटा बनेगा राजा, उसके बाद उसका बेटा, तो एक ही फैमिली का राजा बनता रहता है और मोनार्क शासन करते हैं। विद इन द फैमिली मोनार्की इज द फॉलोइंग टाइप्स, तो मोनार्की कितने टाइप की है, देखिए, फर्स्ट वन एब्सोल्यूट मोनार्की, हेयर द मोनार्क हैज ऑल द पावर्स, यहाँ पर मोनार्क के पास सभी पावर्स होती हैं। विद अ सिम्बोलिक पार्लियामेंट, दैट एक सिम्बोलिक पार्लियामेंट होती है, यानी कि एक क्या होता है, नाम की सर पार्लियामेंट होती है, दैट हैज नो पावर्स ऑफ इट्स ओन, जिसके पास अपनी कोई पावर नहीं होती। इट कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम एट द बिल ऑफ द मोनार्क, राजा की इच्छा से ये कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। डिसॉल्व का मतलब होता है फिनिश हो जाना, विघटित हो जाना, पूरी सर पार्लियामेंट कैंसिल की जा सकती है। एब्सोल्यूट मोनार्की एग्जिस्ट, तो एब्सोल्यूट मोनार्की कहाँ का है, बर्नोई एंड सम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, तो कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये मोनार्की सरकार है। अब नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो राजा होता है और वहाँ संविधान भी है। कॉन्स्टिट्यूशन और मोनार्की दोनों काम करते हैं। द मोनार्क इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऑपरेट्स विद अ सेट ऑफ लॉज दैट लिमिट हिज हर पावर्स, तो इसमें मोनार्क ऐसे कानून बनाता है जो उसकी पावर्स को लिमिट करते हैं, यानी राजा की शक्तियाँ कुछ कम हो जाती हैं, कुछ शक्तियाँ संविधान की फॉलो की जाने लगी होती हैं। तो कंट्रीज फॉलोइंग एब्सोल्यूट मोनार्की हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ऐसे कंट्रीज जो एब्सोल्यूट मोनार्की को फॉलो कर रहे हैं, दे हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द हेड, जहाँ पर हेड प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जहाँ प्राइम मिनिस्टर को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। विद मोर पावर वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर्स प्राइम मिनिस्टर में निहित होती हैं या प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। द मोनार्क इज जस्ट अ सेरेमोनियल हेड, तो इसमें मोनार्क क्या है, राजा केवल एक नाम का हेड होता है। विद सम रिजर्व्ड पावर्स, जिसके पास कुछ रिजर्व पावर्स होती हैं, दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग एमरजेंसीज, जिन्हें केवल एमरजेंसी में यूज किया जा सकता है। अब इसका सबसे एग्जाम्पल सही क्या है, द यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, जॉर्डन, जापान, डेनमार्क एंड मोनाको हैव दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इन कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब नेक्स्ट आता है, देखिए, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कौन सी होती है, कम्युनिस्ट एम्स टू क्रिएट एन आइडियल सोसाइटी, कम्युनिस्ट का उद्देश्य होता है एक आइडियल सोसाइटी बनाना, वन इन विच देयर इज अ कॉमन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि प्रोडक्शन मीन्स के कुछ कॉमन ओनरशिप होते हैं, कुछ यानी कि लोगों का कॉमन मालिकाना हक होता है, जैसे माइंस पर, फैक्ट्रीज या फार्म्स पर, विदाउट एनी सोशल क्लासेस, बिना किसी सामाजिक भेदभाव जातिवाद के जितनी भी प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रीज हैं, माइंस हैं, रिसोर्स जो भी हैं, वो सबका बराबर हक होता है। इट एडवोकेट्स दैट द स्टेट्स वेल्थ मस्ट बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द सिटीजन्स, तो ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट किस बात पर जोर देती है कि स्टेट की जो वेल्थ है, जो राज्य की प्रॉपर्टी जितनी भी है, तो सिटीजन्स में बराबर डिवाइड की जाए। द गवर्नमेंट ओवरसीज द वर्किंग ऑफ द सिस्टम, तो इस सिस्टम को देखने का काम गवर्नमेंट करती है। कम्युनिज्म इज एन एंटी इंडिविजुअलिस्ट, तो कम्युनिज्म एक एंटी इंडिविजुअलिस्ट नहीं होते, यानी कि मानवता विरोधी नहीं है वो। However, it does not say that decisions should be for the good for the population as a whole. तो ये भी नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता है कि ये इनका decisions overall population के की भलाई के लिए होता तो है, and must not benefit only few individuals. और ये कुछ ही व्यक्तियों की भलाई के लिए ना हो। अब क्या देखते हैं क्लास, after the Second World War के बाद communism existed in the former
तो कम्युनिज्म सरकारें कहाँ कहाँ सेटअप हुई? सोवियत यूनियन, फॉर्मर यूगोस्लाविया, बल्गारिया एंड फॉर्मर ईस्ट जर्मनी, कंबोडिया और हंगरी, इन कंट्रीज में कम्युनिज्म गवर्नमेंट सेटअप हुई थी। सिंस 1992 वियतनाम, चाइना, क्यूबा, लाओस एंड नॉर्थ कोरिया आर द ओनली रिमेनिंग कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो 1992 से केवल यही कंट्रीज कम्युनिज्म कंट्रीज रह गए हैं। इंडिया टू हैज ए कम्युनिस्ट पार्टी, तो इंडिया में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM, विच हेल्ड्स स्वे ओवर वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल में अपनी पावर जमाए हुए है, एंड केरला फॉर लॉन्ग। तो वेस्ट बंगाल और केरला दोनों राज्यों में लंबे समय से सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की रही है।